हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने मेरे ढोलना सॉन्ग को रिव्यू और एनालाइज किया था। उसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किया, सो थैंक यू फॉर दैट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर देख सकते हैं। तो आज हम लोग जिस गाने के बारे में बात करेंगे वो है हल्की सी बरसात, जिसमें हम लोगों के फेवरेट मुनव्वर भाई फीचर्ड है। द सॉन्ग इज सॉन्ग बाई साज भट्ट एंड द लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन बाई संजीव चतुर्वेदी। देखिए, इस गाने का जो स्टोरी लाइन है वो ये है कि अपना गाने का हीरो मतलब अपना मुनव्वर भाई अपने लव्ड वन को याद कर रहे हैं जो अभी उनके पास मौजूद नहीं है। अब हमें देखना यह है कि ये गाना हर तरह से लाइक लिरिक्स, अरेंजमेंट, ट्यून, इस सिचुएशन को, इस स्टोरी को बयां करता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये गाना ओपन होता है तो हम लोगों को एक हमिंग सुनाई देता है, और जिसको बैकग्राउंड में काउंटर कर रही होती है एक एकॉस्टिक गिटार आर्पेजियो स्टाइल में, जो पहले ही इस गाने को एक रोमांटिक, एक सूदिंग फील दे देता है। तुमने हमसे वादा किया था। अच्छा है, तुमने हमसे वादा किया था। देखिए, पहली लाइन तो अच्छा है, ट्यून भी अच्छा है, और यार पहली लाइन में हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कम से कम दो तीन लाइन तो चाहिए होता है क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए। तो आगे सुनते हैं। आएगा जो सावन तो आओगे। अब इस जगह पर एक बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं बताता हूँ क्या। ये जो सुर है, आएगा जो सावन, अब इस जगह पर एक ड्रॉप आता है, ऐसा लगता है कि गाना मतलब स्टॉप हो जा रहा है। आएगा जो सावन, अब मान लीजिए इसके आगे कुछ होता ही नहीं, यह गाना खत्म हो जाता। फिर आएगा जो सावन, फिर क्या हुआ, सावन आएगा तो क्या होगा। तो इस सुर के लिए इस जगह पर एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। अब आगे क्लाइमेक्स खुलेगा, ये बताया जाएगा कि सावन आएगा तो क्या होगा। अब गाना आगे ऐसा खुलता है, आएगा जो सावन तो आओगे, मतलब आएगा जो सावन तो तुम आओगे। तो ये जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं। अब जहां तक बात है इसकी अरेंजमेंट की, वो भी अच्छा ही है, मतलब इट्स साउंडिंग गुड। अब कोई इसमें स्पेशल कुछ चीज नहीं है कि उसको हाईलाइट किया जा सके। अब ऐसा कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट तो नहीं है जैसे कि अजय अतुल जी के गाने में सुनने को मिलता है, और पुराने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के कंपोजिशन में सुनने को मिलता था। वही नॉर्मल सा ही परकशन है, 4/4 की बीट में जा रहा है, जो कि इंडिया के 90-95% सॉन्ग में देखने को मिलता है। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं इस्तेमाल हुआ है, मतलब वही नॉर्मल सा एकॉस्टिक गिटार है, और एक पोर्शन कुछ इस तरह का है। जो आई थिंक हारमोनियम या फिर मुझे मेलोडिका का ज्यादा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट आप अगर श्योर हैं किस इंस्ट्रूमेंट का आवाज है तो आप कमेंट में लिखिए। मुझे स्ट्रिंग्स भी उतना सुनाई नहीं दिया, पर हाँ म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है। किक स्नेयर का अरेंजमेंट भी अच्छा ही है। और एक चीज है, पूरे गाने में जहां जहां पर बीट शुरू होता है, मतलब पर्कशन शुरू होने के जस्ट पहले, एक त्राक करके एक आवाज आता है, जैसे कि डफली पर चारों उंगली से किया जाता है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आएगा जो सावन तो आओगे, हल्की सी बरसात, तेरे झूठे वादे पे भी मुझे एतबार है। अब लिरिक्स को भी एक बार देख लेते हैं। पहली लाइन है, तुमने हमसे वादा किया था, आएगा जो सावन तो आओगे। अच्छा लिखा है लिखने वाले ने। पहली लाइन में ही ये बयां कर रहा है कि स्टोरी क्या है, मतलब सावन आएगा तो तुम आओगे, तुमने वादा किया था, मतलब वो इंसान अभी नहीं है। तो पहले ही दो लाइन स्टोरी को डायरेक्शन दे देता है। आगे है, आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। अच्छा है, मतलब तुमने वादा किया था कि सावन आएगा तो तुम आओगी, और अब हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई है तो मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा लिखा है लिखने वाले ने। अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक चीज याद आ गया, यहाँ पर जैसे गाया गया है, याद आ गई हल्की हल्की सी बरसात। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे गाया जाता, आजा मेरे माही तेरी याद आ गई हल्की हल्की सी बरसात आ गई, तो क्या होता, ये जो हल्की हल्की जो शब्द है इसको थोड़ा और एक्सपोजर मिलता, ऐसा लगता कि हल्की हल्की हो रही है। सो मतलब इफ आई वर वन ऑफ द मेकर, सो आई वुड हैव सजेस्ट दिस। सो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ओ माही तेरी याद बेहिसाब आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। अच्छा लिखा है, और यहाँ पर भी एक अच्छा काम हुआ है, मैं बताता हूँ क्या। अब ध्यान से सुनिए जिस तरह से बेहिसाब को गाया गया है। ओ माही तेरी याद बेहिसाब। अब बेहिसाब का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा, अब लगना भी चाहिए कि बहुत ज्यादा याद आ रही है। अब बेहिसाब को थोड़ा लंबा सुर में गाया गया है, मतलब बेहिसाब, मतलब लग रहा है कि बहुत ज्यादा याद आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अब पहला अंतरा है, पड़ले आके मेरी आंखें तेरा इंतजार है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तेरे झूठे वादे पे भी मुझे एतबार है। मतलब देखिए, यहाँ पर तेरा इंतजार है के बाद तेरे झूठे वादे पे कहाँ चला गया, मतलब तो यहाँ पर शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, सो आई एम आउट। नहीं,
मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक एंगल हो सकता है, जो शुरू में तुमने वादा किया था कि सावन आएगा तो तुम आओगी, तो अगर तुमने झूठा भी वादा किए होंगे तो भी मुझे यकीन है कि तुम आओगी, तो अगर ये एंगल है तो बहुत अच्छा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा आपको कि हर अंतरा दो बार गाया गया है, लेकिन पहली बार में परकशन चलता नहीं है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे गाना चलता है, ताकि पहली बार में सुनने वाले का वर्ड्स में फोकस रहे और उसके बाद परकशन के साथ गाना चलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पढ़ ले आके मेरी आंखें, तेरा इंतजार है, तेरे झूठे वादे पे भी मुझे एतबार है। अब अगला अंतरा है, भीगा भीगा आलम ये सारा, सूखे से है ख्वाब मेरे, तुझे बुलाए आंखें मेरी, आ जाओ हमराज मेरे। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लिखा है लिखने वाले ने, सुर भी अच्छा है, सिंगर सिलेक्शन भी अच्छा है, मतलब सिंगर की आवाज दोनों में फिट हो रहा है, सिचुएशन में भी और मुनव्वर भाई के फेस में भी, तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई अरेंजमेंट हो, बहुत तामझाम हो तो ही गाना अच्छा लगता है। हाँ मतलब एक बड़ा अरेंजमेंट का भी एक अलग वैल्यू होता है, वो भी अच्छा लगता है सुनने में, पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो तो ही गाना अच्छा लगता है। अगर आप कुछ सिंपल, कुछ किए बिना ही एक ऐसा गाना बना रहे हैं जो अच्छा लग रहा है सुनने में, व्हिच साउंड्स गुड, तो इसमें भी एक अलग सा क्रिएटिविटी है। तो यार यही था मेरा रिव्यू टुवर्ड्स हल्की सी बरसात। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाओ, और अगर आपके जहन में भी कोई गाना हो जो आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूं तो उसका नाम भी कमेंट में लिख दो। और मैं आपसे मिलता हूं अगले एक और म्यूजिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी गुड एंड लिसन टू गुड म्यूजिक। गुड बाय।